नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आपको IDFC फर्स्ट बैंक की कस्टमर आईडी पता करनी है। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है और IDFC फर्स्ट बैंक नेट बैंकिंग आपको यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद जो पहला लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, नेट बैंकिंग ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉग इन और लॉग इन टू इंटरनेट बैंकिंग दिखेगा। तो या तो फिर आप लॉगिन में क्लिक कर सकते हैं या तो फिर लॉगिन टू इंटरनेट बैंकिंग किसी में भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक अलग सा पेज ओपन होगा और यहाँ पे अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है। जो भी बैंक से आपका लिंक मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना मांग रहा होगा, लेकिन आपको पासवर्ड तो पता नहीं है, तो आपको यहाँ पे फॉगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखेगा, फॉगेट पासवर्ड, उसमें आपको क्लिक कर लेना है। उसमें आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर और कस्टमर आईडी दिख रही होगी, लेकिन हमको कस्टमर आईडी ही जाननी है। तो गेट कस्टमर आईडी का ऑप्शन आपको दिखेगा नीचे, यहाँ पर दिख रहा है हमको, इस वाले ऑप्शन में हमको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर डालना है और नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पे डाल लेनी है। OTP डालने के बाद हमको यहाँ पे वेरीफाई में क्लिक करना है और योर कस्टमर आईडी हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी। तो हमारी रजिस्टर ईमेल आईडी और हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर हमारी कस्टमर आईडी भेज दी गई है। तो आप अपनी रजिस्टर मोबाइल नंबर और अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपका कस्टमर आईडी आ गया होगा। तो इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कैसे हमको कस्टमर आईडी पता करनी है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।